नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राज अपने पेपर हैकर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन, देखेंगे हम पॉलिटी के क्वेश्चन। बच्चों ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे और आपके क्वेश्चन जो होंगे वह फर्स्ट नंबर स्टार्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो किस तरह से हम लोग उसको प्रोसीड करेंगे, किस तरह से उसको देखेंगे और किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग के एग्जाम के व्यू से, आप लोग के एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए सभी लोग करेक्ट होके और वीडियो को देखेंगे अच्छी तरह से, स्किप नहीं करना है और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हो जाता है बच्चों वह आपका क्या हो जाता है, बीए पार्ट टू, बीए पार्ट टू, थर्ड सेमेस्टर का यह क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर, बीए पार्ट टू थर्ड सेमेस्टर का यह क्वेश्चन हो जाता है बच्चों, समझ में आया ना। तो आप लोग देखेंगे बीए पार्ट टू थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन। क्लियर, तो देखिए प्रश्न नंबर वन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर वन देखेंगे हम लोग कि क्या हो जाता है। क्लियर, तो प्रश्न नंबर वन जो हो जाता है बच्चों वह आपका पूछ रहा है क्या, ध्यान देंगे सभी लोग, प्रश्न नंबर वन जो पूछ रहा है वह क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर वन जो है कह रहा है कि लोकतंत्रीकरण की अवधारणा का वर्णन करें, लोकतंत्रीकरण की अवधारणा जो है उसका हम लोग को स्पष्टीकरण करना है, वर्णन करना है। क्लियर, तो देखिए कह रहा है उत्तर में यहां कि लोकतंत्रीकरण की अवधारणा देखेंगे हम लोग, लोकतंत्रीकरण की अवधारणा क्या होती है। क्लियर, आधुनिक राजनीतिक दर्शन मानव समुदायों पर शासन करने के लिए सरकार के बेहतरीन रूप का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन में यह समुदाय जो है, मानव समुदाय शासन करने के लिए सरकार के बेहतरीन रूप का पता लगाने के लिए जो है वह क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। रूसो ने तर्क दिया कि भागीदारी के बिना लोकप्रिय संप्रभुता एक क्या है, वास्तविकता नहीं होगी। क्या हुआ कि रूसो ने क्या तर्क दिया, रूसो ने यह तर्क दिया है कि भागीदारी कि बिना जो है लोकप्रिय संप्रभुता जो है वह एक वास्तविकता नहीं होगी। लोकप्रिय संप्रभुता क्या होगी, एक वास्तविकता नहीं होगी बच्चों। क्लियर, जेम्स मेडिसिन ने लोकप्रिय संप्रभुता पर, जेम्स मेडिसिन जो है वह क्या कर रहा है, लोकप्रिय संप्रभुता पर, जेम्स मेडिसिन ने लोकप्रिय संप्रभुता पर जो है वह क्या बोला है, संस्थागत सीमाओं के लिए तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बहुसंख्यकों की सामूहिक इच्छा के विरुद्ध रखा जा सके। डी टोकवेल और मॉन्टेस्क्यू ने किसी देश की राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक शासन के बीच संबंध के बारे में सुझाव दिया है, संबंध के बारे में क्या दिया है, सुझाव दिया है। क्लियर, पश्चिम में लोकतंत्र को व्यापक जो है रूप से सरकार के सर्वोत्तम रूप में स्वीकार किया गया, पश्चिम में क्या किया गया, सरकार के जो है लोकतंत्र के व्यापक सरकार के सर्वोत्तम रूप को जो है वह स्वीकार किया गया बच्चों। ठीक है, एक्सेप्ट किया गया। क्लियर, तो स्वीकार किया गया है। ठीक है, देखिए यहां स्वीकार किया गया है, लोकतंत्र लोगों की शक्ति के संस्थागतकरण की ओर ले जाता है। लोकतंत्र क्या करता है, लोगों की शक्ति की ओर संस्थागतकरण को ले जाता है, और इस प्रकार लोकतंत्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ऐसा होता है। लोकतंत्रीकरण क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से होता है यह सब। ठीक है, तो देखिए यहां सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लोकतंत्रीकरण वह प्रक्रिया है, लोकतंत्रीकरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राजनीतिक शासन गैर लोकतांत्रिक से एक लोकतांत्रिक शासन में बदल जाता है।
एक राजनीतिक शासन क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक से लोकतांत्रिक शासन में वह बदल जाता है। ठीक है, राजनीतिक शासन कॉन्स्टिट्यूशन जो शासन करता है, पॉलिटिक शासन एक प्रक्रिया के रूप में लोकतंत्रीकरण के तीन चरणों में समझा जा सकता है। लोकतंत्रीकरण को क्या किया जाता है, तीन चरणों में, तीन स्टेज में समझा जा सकता है। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक शासन में लोकतंत्र की शुरुआत, गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या होती है, लोकतंत्र की शुरुआत होती है। ठीक है, परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण, परिवर्तन होता है और क्या होता है, सुदृढ़ीकरण भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पहले चरण में हम कह सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक शासन अपनी वैधता खो देता है। गैर लोकतांत्रिक शासन क्या करता है, अपनी वैधता खो देता है, जिसकी वजह से लोकतंत्र की शुरुआत, जिसकी वजह से क्या होती है, लोकतंत्र की शुरुआत जो है होती है, जिसकी वजह से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। वैधता का यह नुकसान आर्थिक संकट या राज्य पुलिस और सेना की वफादारी की कमी के कारण हो सकता है। क्या होता है कि वैधता का यह नुकसान होता है कि आर्थिक संकट या राज्य पुलिस और सेना की जो वफादारी होती है इसकी कमी से यह कारण हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, परिवर्तन काल के चरण में नए ढांचे और संस्थानों के सामने आने के साथ ही, संस्थानों के सामने आने के साथ ही दिए गए राज्य के लोकतांत्रिक गुण गहरे होते जाते हैं। लोकतांत्रिक गुण दिए गए राज्यों के क्या होते हैं, वह गहरे होते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां क्या कह रहा है, मौजूदा सत्तावादी जो है, मौजूदा सत्तावादी मौजूदा सरकार में जो रहता है, ठीक है, मौजूदा सत्तावादी जो है, जो शासन कर रहा है, जो सरकार में बैठा है, वह संरचनाओं और एजेंसियों को, संरचनाओं और एजेंसियों को समाप्त कर दिया जाता है। और इस चरण के दौरान क्या होता है दोस्तों, कि प्रतिस्पर्धा राजनीति की स्थापना के एक नए संविधान, नियमों और विनियमों पर बातचीत की जाती है। संविधान पर क्या की जाती है, एक नए संविधान, नियमों और विनियमों पर क्या की जाती है, बातचीत की जाती है। परिवर्तन तब होता है जब लोकतंत्र, परिवर्तन कब होता है, जब लोकतंत्र जो है, देखिए यहां ध्यान देंगे सभी लोग, परिवर्तन तब होता है जब लोकतंत्र की इच्छा रखने वाला विपक्ष सत्तावादी शासन को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाता है। सत्तावादी जो सत्ता में बैठा हुआ है वह क्या होता है, मजबूती से अपनी बात को पेश करे, पर्याप्त मजबूत होना चाहिए पहले उसको। सत्तावादी शासन जो है विभाजित या कमजोर होता है, सत्तावादी जो शासन होता है वह क्या होता है, विभाजित होता है और कमजोर भी होता है, जो है लोकतंत्र के लिए ना तो विपक्ष के खिलाफ बल प्रयोग कर सकता है और ना ही उसके साथ मिलकर काम कर सकता है। ठीक है, ना तो वह क्या करता है, विपक्ष के खिलाफ बल प्रयोग कर सकता है, ना तो विपक्ष के खिलाफ वह क्या कर सकता है, बल प्रयोग कर सकता है और ना ही उसके साथ मिलकर वह काम कर सकता है। ठीक है, तीन सामान्य प्रकार के लोकतांत्रिक, तीन सामान्य प्रकार के लोकतांत्रिक जो है परिवर्तन है, तीन सामान्य प्रकार के लोकतांत्रिक परिवर्तन है, वह कौन कौन है। सबसे पहले एक सत्तावादी शासन के, सबसे पहले क्या होता है, एक सत्तावादी शासन के उदारवादी सदस्यों और लोकतंत्र समर्थक विपक्ष में जो है उदारवादी गुट के बीच एक समझौते के आधार पर जो है एक परिवर्तन होता है। समझौते के आधार पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि दोनों गुटों के बीच जो है सत्ता का बंटवारा है, दोनों गुटों के बीच क्या है, सत्ता का बंटवारा है और नई व्यवस्था में पुरानी और नई सरकार दोनों के तत्व सम्मिलित है। नई व्यवस्था में क्या है, पुरानी और नई सरकार दोनों के तत्व जो है वह सम्मिलित है दोस्तों। ठीक है, दूसरा हमारे पास उन समाजों में नीचे से ऊपर परिवर्तन होता है जहां सत्तावादी शासन
लोकप्रिय आंदोलनों से कमजोर हो जाता है। सत्तावादी शासन क्या होता है, लोकप्रिय आंदोलन जो होते हैं उनसे सत्तावादी शासन कमजोर होता है। आंदोलन होते हैं ना सत्ता के खिलाफ, तो उससे सत्तावादी सत्ता क्या होती है, उसकी कमजोर होती है। ठीक है, कमजोर तो हो गई, जो सत्ता में बैठा है उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा तो ठीक है। तो यहां इससे यह स्पष्ट होता है कि यह पूरी वैधता को खो देता है, यह पूरी वैधता को खो देता है। अंत में ऊपर से नीचे परिवर्तन होता है, यहां सत्तावादी शासन जो है लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत करता है, लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत करता है। सत्तावादी जो शासन रहेगा, सत्ता में जो बैठा रहेगा, क्योंकि यह जो है उन्हें अपने शासन के अस्तित्व को बचाने के लिए एक क्या करता है, शासन के अस्तित्व को बचाने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में देखता है। ठीक है, आवश्यक उपकरण के रूप में वह क्या करता है, देखता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा यह हो जाएगा सुदृढ़ीकरण के चरण में, तीसरा चरण यह हो जाएगा कि लोकतांत्रिक मूल राज्य में जो है मजबूती से अंतर्निहित हो जाते हैं। मजबूती से क्या होते हैं, अंतर्निहित हो जाते हैं, और उसका उल्टा होना अकल्पनीय हो जाता है। उसका उल्टा होना क्या होता है दोस्तों, अकल्पनीय साबित हो जाता है। समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो इस तरह आपके जो है प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसके बाद देखें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे, ऑल सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे, ठीक है, और अपने ग्रुप में हर जगह शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।